चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं, त्योहारों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। रमजान और ईद पर सुरक्षा रखी जाएगी। डीजीपी ने जिलों और कमिश्नरेट को निर्देश जारी किए हैं, किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाए। पीस कमेटी और धर्मगुरुओं के साथ बैठक करें, समस्याओं का समाधान समय से कराएं। चलिए ज्यादा जानकारी की तरफ करते हैं संवाददाता उमंग की ओर। उमंग, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ लहजे में निर्देश दे दिए हैं कि रमजान और ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और इसके साथ ही पीस कमेटी और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जाए। जी अमृता, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से रमजान का त्यौहार नजदीक है और उसके बाद होली का भी त्यौहार नजदीक है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि दोनों बड़े समुदायों के दोनों बड़े जो त्यौहार है वो नजदीक है और उनकी तारीख कहीं ना कहीं आसपास पड़ रही है। तो ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने की है। डीजीपी ने साफ तौर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पूरी तरह से आपसी समंजस बनाए रखेंगे दोनों ही, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि पीस कमेटी की मीटिंग होगी, ताकि जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े धर्मगुरु हैं, जिनकी बात सभी सुनते हैं, उन सभी से अपील की जा सके कि लोगों को समझाए कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी जो त्यौहार है उनको निपटाया जाए। हालांकि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पिछले कई लंबे समय से, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल संभाला है, सीएम योगी की अगुवाई में सभी त्यौहार जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। हालांकि अब रमजान और ईद पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है उसकी भी जो जरूरतें हैं उसको तमाम लगातार पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही पीस कमेटी और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा रही है, समस्याओं के समाधान को समय से निस्तारण करवाने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दे दिए। उन्होंने तमाम अधिकारियों को साफ तौर से कहा है, क्योंकि रमजान और होली का त्यौहार नजदीक है, तो ऐसे में अगर कोई भी किसी की समस्या आती है तो उस समस्या को पुलिस जो है पूरी प्राथमिकता के साथ दूर करेगी। कुल मिला के रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली है, और इसके साथ ही रमजान को लेकर टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, ताकि अगर किसी भी तरह की किसी मुस्लिम भाई को समस्या आती है तो उसका तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाए। जी अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग तमाम जानकारी की। तो बताते, लोकसभा चुनाव के दौरान ईद और होली के त्यौहार भी पुलिस के सामने हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, जो निर्देश डीजीपी ने पहले ही जारी कर दिए। इसके साथ ही दोनों ही धर्म के धर्मगुरुओं को बिठाकर बातचीत की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार जो उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हो। रुकते ही छोटे से